हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विकलांग जनों को फ्री आवास यानी कि 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक मिलेंगे उनको फ्री घर बनवाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, इस कंडीशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो विकलांग जन है वो सर्च करते रहते हैं कि ऑनलाइन कैसे आवेदन करें इसके लिए। जबकि फ्रेंड्स, मैं सच्चाई बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, क्या ऑनलाइन अप्लाई करने से उनको फ्री आवास मिल जाता है या नहीं मिलता है, या फिर फ्रेंड्स वो यदि फ्री आवास लेना चाहते हैं तो कैसे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस कंडीशन में मिलेगा, कितनी उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सब कुछ शुरू से आज तक बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए, वीडियो तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर लगातार मिलती रहती है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सच्चाई समझिए कि यदि आपको 100% लेना ही लेना है फ्री आवास, तो ऑनलाइन अप्लाई मत करना, ठीक है। यदि ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो सालें चली जाएंगी और कुछ होगा नहीं, आप बैठे रहेंगे। हालांकि पोर्टल है, सरकारी पोर्टल है जहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां से मैंने किसी को फ्री आवास मिलते नहीं देखा। लेकिन जो मैं आज जेन्युइन तरीका बताऊंगा वो एक ऐसा तरीका है फ्रेंड, जिससे आपको 100% आवास मिलेगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आपके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए आपके पास, देखिए विकलांग प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए, वो भी कम से कम 40% का, ठीक है। और इसके बाद में बात करो, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास मूल निवास होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट या जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास है। इसके साथ साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा। किसी भी जनसेवा केंद्र से जाकर ये डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं। आधार कार्ड में फ्रेंड्स आप जो भी आपका नाम है, विकलांग प्रमाण पत्र में जो नाम है उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये केस मैंने देखा है कई लोगों का इस बेस पर रिजेक्ट हुआ है। अब ये फ्रेंड्स मिलेगा कैसे, 100% बता रहा हूं, जेन्युइन तरीका बता रहा हूं। इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे तो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने गांव के मुखिया या प्रधान के पास जाएं, या फिर अपने गांव के कोई भी आपका जो सेक्रेटरी है वहां से मिले, जो आपके गांव के जो सेक्रेटरी है या फिर मुखिया से मिले, और वहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दें सेक्रेटरी के पास, और कहें हमें आवास की जरूरत है। फिर सेक्रेटरी कुछ अधिकारियों के साथ आएंगे और आपकी जगह का निरीक्षण करेंगे। यदि आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो फ्रेंड्स आपको आवास 100% मिलेगा। सबसे आसान तरीका है और सबको इसी तरीके से मिल रहा है, ठीक है। यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं फिर भी वो इन्हीं के पास जाता है और यही उसको वेरीफाई करते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे जेन्युइन तरीका है, आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करा ले, पंच कर दे, दो फोटोग्राफ यानी कि आपके दो पासपोर्ट साइज के फोटो होने चाहिए साथ में लगे हुए, और इसको जाके वहां सबमिट कर दे कि मुझे आवास की जरूरत है सर, और आप मेरा निरीक्षण करवा दें, और मुझे आवास की जरूरत है, इसके लिए मुझे पैसों की आवश्यकता तो है ही, जब आवास बनवाएंगे तो मुझे आवास मिल जाए, तो वो आएंगे निरीक्षण करेंगे और आपके लिए आवास प्रोवाइड करवा देंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं नए फ्रेंड्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।